तो दोस्तों कल ये वाली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि मैंने तो दोस्तों पहले इस आर्टिकल को पढ़िए। 2 लाख मोबाइल सिम ब्लॉक हर रोज मिलती थी 66 लोकेशन में नेटवर्क द्वारा। मैं बात की जो पिछले 6 महीने थे उनके अंदर पुलिस ने क्या क्या काम किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने पुलिस ने पैसे बरामद किए, कितनी कारें बरामद की और कितनी सिम ब्लॉक की गई, कितने मोबाइल फोन जब्त किए गए, इसके अंदर बताया था। लेकिन आज और ऐसा ही न्यूज आर्टिकल आया है जिसके अंदर आप सभी सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का न्यूज आर्टिकल ये है कि आप सभी के स्क्रीन पर आ गया होगा। पहले आप इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पूरे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मेवात की साइबर ठगी, सिर्फ 4 महीनों में 74 गैंग ने ठग लिए 3,36,00,00,000 रुपए। ओ भाई साहब, दूसरा जामताड़ा, वाओ, जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, अब आगे देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो हाईलाइट कर रखा है पीले मार्कर से नंबर 1। इस मोटे मोटे अक्षरों को नीचे देखिए आप, अकेले आरिफ खान ने ठगे 13,00,00,000 रुपए, 13,50,00,00,000 रुपए, 13.50 करोड़। भाई साहब, अब आप इसके नीचे इस आर्टिकल को पढ़िए। नगर थाने में आरिफ के खिलाफ साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ। मोबाइल फोन IMEI से उसने ठगी की, सिम और मोबाइलों की पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि अकेले आरिफ 30,24,000 रुपए की ठगी की। और जब तीसरे चरण की पड़ताल की गई तो सामने आया कि इसकी गैंग ने मिलकर 13,50,00,000 रुपए ठगी कर चुके थे। अब पुलिस इनके अन्य साथियों को भी तलाश में है। और अब आते हैं ऊपर ही हेडलाइन 2 नंबर पर, तैफून ने ठगे 7,03,00,000 में। अब आते हैं तीसरे नंबर की हेडलाइन में जो कि इसके जस्ट नीचे है, जावेद ने ठगे 11,69,00,000 रुपए। ओ भाई साहब, कामर थाने में दर्ज हुए मामले में जिस मोबाइल नंबर से ठगी बताई उससे 1 रुपए की भी ठगी होना नहीं मिला, जबकि दूसरे चरण में जांच में जावेद के जरिए 14,59,000 रुपए और तीसरे चरण में जांच में ठगी की रकम 11,69,00,000 रुपए पहुंची। और नंबर 4 वाली हेडलाइन है तालिम ने ठगे 7,00,00,000 रुपए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो मेवात कितना भयंकर साइबर ठग बन चुका है। भाई साहब, इन आर्टिकल को देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। आप लोग सबसे पहले मेरे पास भेजते हो इनको, भाई जायजे भेजना आप सभी को, क्योंकि अब आपके जरिए मैं किसी और लोगों तक पहुँचाऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, कुछ नहीं कहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, सलाम।